इसमें करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड करैक्टेरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं जनरली जितने भी क्या होंगे आयनिक कंपाउंड होंगे वो किस स्टेट में होंगे सॉलिड स्टेट में उसका रीज़न क्या है देखो सॉलिड स्टेट uh, इसका रीजन है स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सबसे स्ट्रोंग होता है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिकूल पास पास होंगे और पास पास होने की वजह से क्या होगा सॉलिड स्टेट में होगा तो इसीलिए जनरली आने कंपाउंड क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में आते हैं तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट वाई तो उसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो आयंस होगा उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसकी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली सॉलिड होंगे ठीक है क्लियर हुआ yes, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न में लगे होते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टल जैसे देखो नीचे दिख रहा होगा आपको इसमें जो स्ट्रक्चर है ये ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एटम्स जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं इसमें देखो वन टू थ्री एक प्लस का एक माइनस का तो एक रेगुलर पैटर्न में लगा हुआ और ये चीज क्या हो रही है बार बार रिपीट होती जा रही है ये जो सॉलिड है आपका एक ये रिपीट होता जा रहा है तो ये हजारों है ऐसी सिस्टम इधर है ऐसे इधर है ऐसे ऊपर है ऐसे नीचे तो ये रिपीटेड फॉर्म में होगा लेकिन रेगुलर पैटर्न में लगा हुआ थ्री डायमेंशनल इसीलिए हम इसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब थ्री में होता है और एक रेगुलर पैटर्न में लगा होता है रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न में ठीक है तो उसे कहेंगे क्रिस्टल एग्जाम्पल है ये एनए सी एल का एनए सी एल इज द एग्जाम्पल तो इसमें एनए छोटा वाला और सी एल माइनस बड़ा वाला तो ये बड़ा वाला है जो Cl माइनस का और जो छोटा है वो एन ए प्लस का है. तो इस तरीके से अरेंज आइए ठीक तो सेकंड क्लियर हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर यस अब थर्ड देखो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई इसका मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट हाई होता है रीजन क्या है देखो रीजन ये होता है कि इसके बीच में क्या होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग कौन सा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं टाइटली टाइटली हेल्ड टुगेदर टेदर एक दूसरे से क्या होता है टाइटली बाउंडेड होते हैं और इसकी वजह से क्या होगा इसको तोड़ने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ठीक है तो इसका रीजन क्या होगा देखो हाई मल्टीग बॉलिंग पॉइंट का रीजन क्या है पहला स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कौन सा यहाँ पे स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आयंस के बीच में स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहली चीज दूसरी चीज इसकी वजह से क्या होता है वो टाइटली बाउंड होते रहते हैं और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ठीक है जो लैटिस होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है हाई होता है ठीक है क्लियर yes, अब नेक्स्ट इसमें आता है सोलिबलिटी सोलिबिटी में देखो क्या होता है कि जो भी आयनी कंपाउंड होता है आयनी कंपाउंड में आयंस होते हैं आयंस यानी पोलर नेचर होता है कैटाइन और एनाइन कैटाइन और एनाइन जिसमें प्लस चार्ज होगा एक में माइनस चार्ज होगा तो जनरली और जो वाटर होता है वाटर में भी क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन में प्लस होता है तो इसे कहते हैं चार्ज जनरेट होना तो ये पोलर नेचर हो गया दोनों पोलर होते हैं इसीलिए आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होता है सोलेबल होता है ठीक है उसके दो रीजन है एक तो वाटर पोलर पोलर नेचर का होता है और उसका डायलैक्टिकॉन्टेंट हाई होता है यानी इसकी जो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है बाकियों में इतनी नहीं होती है इसकी एट्टी के आसपास होती है जो हाइएस्ट है इसीलिए वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसमें आप किसी भी चीज को डिजोल्व कर सकते हो तो ये होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो क्वेश्चन आएगा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं क्योंकि इसका कांस्टेंट हाई होता है यानी ये किसी भी चीज को इजिली क्या कर सकता है ब्रेकडाउन कर सकता है इसकी ब्रेकडाउन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है इसीलिए हर एक को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ठीक है तो ये पोलर नेचर का होता है और आयनिक कंपाउंड भी या इलेक्ट्रोवेंट कंपाउंड भी कैसा होता है पोलर नेचर का होता है आयंस होते हैं चार्ज होता है तो इसीलिए जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो वॉटर में सॉलेबल होगा जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है सोलेबल है इन वाटर वाटर में सॉलेबल होता है ठीक है और एक और आता है नॉन पोलर नॉन पोलर तो नॉन पोलर में क्या होता है ये इनसॉलेबल होगा अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया हमने

इसीलिए ही वाटर में इनसॉल्युबल होंगे तो जितने भी नॉन पोलर हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में और सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक है आयनिक कैसा है आयनिक का नेचर है आयंस की तरह यानी चार्ज तो ये भी उसी से कंबाइंड होगा या होगा जिसमें चार्ज होगा जिसमें चार्ज ही नहीं होगा तो उसमें वो डिजोल्व नहीं होगा और जो नॉन पोलर होते हैं इसमें चार्ज डेवलप नहीं होता इसीलिए आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलेबल नहीं है और किसमें सोलेबल है ये सोलेबल है वाटर में या फिर पोलर सॉल्वेंट में ठीक है समझ में आया yes, अब इसमें नेक्स्ट आता है डाई सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरीके होते हैं एक होता है सॉलिड स्टेट में तो जो स्टेट में होगा तो आयनिक कंपाउंड है जो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिस्टेट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे ये किसमें स्टेट में क्यों नहीं करेंगे uh, इसमें क्या होते हैं जो आयंस होते हैं टाइटली बाउंड टाइटली बाउंड करके रखते हैं ठीक है तो जब टाइटली बाउंड करेंगे तो क्या होगा कि इस ये डाउन नहीं होगा तो फ्री आयंस नहीं होते इसमें क्या होंगे फ्री आयंस नहीं होंगे

या इस कंपाउंड को या तो वाटर में डिजोल्व कर दिया तो जैसे ही वाटर में डिजोल्व करोगे ये फ्री आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहां पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा जब ये एक्वस में होगा एक्वस का मतलब वाटर में तो जैसे आप वाटर में डिजोल्व करोगे ये गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर या फिर फ्यूज स्टेट फ्यूज या मोल्टन में मोल्टन का मतलब मेल्ट कर दो या फिर फ्यूज का मतलब भी मेल्ट करना होता है तो जैसे ही मेल्ट करोगे फिर ये दोबारा क्या होगा आयंस में टूट जाएगा और जहां पे आयंस बनेंगे इस आयंस की वजह से यानी बिकॉज ऑफ फ्री आयंस एन ए सी एल इन मोल्टन स्टेट फ्यूज स्टेट या एक्वस स्टेट में क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसका एक ही आंसर है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस तो जब फ्री आयंस होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जब नो फ्री आयंस तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो ये रीजन पूछा जाता है हर एक में कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो क्या है बैड uh, कंडक्टर है लेकिन जब एक्वस होगा या फिर मोल्टन या फ्यूज होगा तो ये गुड कंडक्टर क्यों हो जाता है तो जब बैड कंडक्टर है मतलब अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और जब गुड कंडक्टर होता है इसका मतलब प्रजेंस ऑफ फ्री आयस जिसमें प्रजेंस होगा तो गुड कंडक्टर और अपसेंस होगा तो बैड कंडक्टर ठीक है तो समझ में आए यस yes, इसमें सब रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ये अब इसका लास्ट पॉइंट है आयनिक रिएक्शन आयनिक रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें क्या होता है जो भी आयनिक कंपाउंड होगा कंपाउंड उसमें आयनिक रिएक्शन हो जाएंगे ठीक है आयनिक कंपाउंड में क्या होगा आयनिक रिएक्शन होगे आयनिक रिएक्शन आयनिक रिएक्शन का मतलब होता है जैसे सपोज एन ए ले लिया और ए थ्री ले लेते ले हैं तो ये प्लस चार्ज ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो आपको पता है प्लस माइनस को क्या करेगा रिएक्ट करेगा फास्ट क्विकली तो इसमें क्या होता है अपोजिट चार्ज आयंस कंबाइंड क्विकली अपोजिटली अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन क्विकली बहुत जल्दी क्या करेगा ये रिएक्शन करेगा ठीक है तो क्विकली रिएक्शन करेगा इसीलिए आयनिक रिएक्शन क्या होती है फास्ट होती है आयंस में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन फास्ट होती है तो क्वेश्चन आएगा कि वाई द आयनिक रिएक्शन इज फास्ट तो आंसर होगा बिकॉज अपोजिटली चार्ज आयंस कंबाइन क्विकली विद ईच अदर तो क्या होगा एन ए और एनए एनओ थ्री के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो एन एनओ थ्री बन जाएगा और ये ए जी और सी एल आपस में कंबाइंड होगा तो ये बन जाता है ए जी सी एल तो अपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट इच अदर क्विकली ठीक है तो ये आपका फिनिश होता है आयनिक कंपाउंड का यहां पे डाउट कोई नो सर तो अब इसके बाद है कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक के बाद हम आ गए कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट में क्या होगा देखो कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं पहले कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हुआ इक्वल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स सो दैट दे कम्प्लीट देट जैसे मैंने कहा सपोज सी एल है तो सी एल के बाहर होते टू एट सेवन दूसरा भी सी एल है इसके बाहर है टू एट सेवन अब दोनों की पावर बराबर है और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें भी यही होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा यानी इसका भी टू एट एट इसका भी टू एट एट तो ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब ये स्टेबल हो जाना लेकिन यहाँ पे क्या हुआ दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ठीक है तो उसे कहते हैं कोवल एंड बॉन्ड यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स सो दैट दे कम्प्लीट देर ऑक्टेट और डुप्लेट ठीक है यस yes, अब इसके एग्जाम्पल हैं देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे अभी मैंने कहा सी वाला तो सी का ही एग्जाम्पल है सी में पहले वाले में क्या था टू एट सेवन दूसरे में भी टू एट सेवन था तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया तो इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड को हम दिखाते हैं डैश लाइन से तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के पहला होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है मल्टीपल मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड ठीक है मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड मल्टीपल और सिंगल सिंगल का मतलब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है द कोवलेंट बॉन्ड इन विच सिंगल में क्या होगा देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि द कोवलेंट बॉन्ड द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ वन इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सिंगल का मतलब वन तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो हम कहेंगे उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसने इसने दिया इसने दिया दोनों को एक एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ने क्या किया एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया तो उसे कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड लाइक दिस इसके बाद आता है मल्टीपल मल्टीपल में दो होते हैं एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है एट एट सिक्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब eight. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग कर लेगा ये यह यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन पर... शेयर कर लेगा ठीक है yes, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी तो उसे कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड और इसमें दिखाएंगे इसको टू डैश लाइन से ऐसे दो डैश लाइन ये तो इसे कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड क्लियर है यस yes, सर अब इसके बाद ट्रिपल ट्रिपल में क्या होगा जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो आ, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे यहाँ पे इस, डबल लिखा है तो टू टू हो गया तो थ्री में क्या होगा ट्रिपल मतलब थ्री. तो जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ट्रिपल कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड यानी द इन ईच एटम कंट्रीब्यूट थ्री इलेक्ट्रॉन तो इसे कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अब एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होता है टू फाइव दूसरा नाइट्रोजन भी टू फाइव तो इसको तीन चाहिए एट करने के लिए इसको भी तीन चाहिए दोनों के दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। यहां से तीन की करेंग तो अब इसके पास टू एट हो गए इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसका भी क्या हो गया टू एट हो गया तो दोनों का ऑप्टेट कंप्लीट हो गया यानी इसके बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया ठीक है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसकी वजह से क्या है आ, ये मजबूत बन जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जिसमें एटम थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे द कोवलन बॉन्ड इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट थ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड और डिनोटेड बाय थ्री डैश लाइन क्लियर यस सर अब नेक्स्ट में आ जाओ देखो एग्जाम्पल इसके और भी बहुत सारे जैसे ये देखो H2 H2 का आपको पता है हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट टूल फॉलो करता है तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गए और इसको दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड से बाकी ये तो हमने कर ही लिया था ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का ये तो हो गया अभी और इसके बाद देखो NH3 थ्री है एन एच थ्री तो NH3 थ्री में क्या होगा नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं टू एंड फाइव हाइड्रोजन के बाहर होते हैं एक तो नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा तीन हाइड्रोजन इसके अराउंड में लग जाएंगे अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास फाइव है तो क्या करेगा वन टू थ्री तो इनको शेयरिंग करने के लिए रख देगा दो पर रख देगा अब क्या होगा इसका हाइड्रोजन तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा ले ले ये भी दो इलेक्ट्रॉन ये भी दो इलेक्ट्रॉन ठीक है लेकिन जो नाइट्रोजन होगा ये ये सब ये हाँ ये तो इसके पास भी एट होगा टू तो एट इसके पास टू इसके पास टू इसके पास टू तो इसके बीच में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ये इसका सीओ टू में क्या आते हैं सीओ टू में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओके जैसे सीओ टू है तो सी और ओ और यहाँ पे ओ तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर तो अब क्या हो गया फोर फोर एट ये तो एट कंप्लीट हो गया 4 है तो इसमें भी 5, 6, 7, 8. तो ये इधर भी कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है यानी सी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ तो ये सी ओ टू है ऐसी सी एच फोर है सी एच फोर में क्या होगा एक सी है इसके बाहर होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन तो सी के बाहर फोर इलेक्ट्रॉन और इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो हाइड्रोजन के साथ हाँ तो ये ये संत तो भी यहां ये हो गया 1 हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के दो कंप्लीट हो गए और इसके फोर टू जा 8 तो डबल हो जाएगा ठीक है तो सारे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे वन टू 3 एंड 4 CH4 एसीथाइलीन इथालीन का मतलब सी टू एच टू तो सी यहाँ एच यहाँ एच यहाँ भी सी यहाँ एच और ये एच अब कार्बन के बाहर होते हैं फोर तो वन टू थ्री फोर इसके इसमें भी वन टू थ्री फोर अब ये सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हाइड्रोजन 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 अब क्या होगा वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इसके भी वन की हो जाएगी इसके भी वन हो जाएगी इसके भी वन हो जाएगी लेकिन ये कार्बन के पास क्या है कम हो रहे हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा यहां से इलेक्ट्रॉन तो इस केस में क्या होगा ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसके सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि दो चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही बाकी इधर हाइड्रोजन ओवरऑल कार्बन के चार वैलेंसी वन टू थ्री फोर इसमें भी होगा वन टू थ्री एंड फोर तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है ठीक है कोई डाउट किसी में नो no, सर अब नेक्स्ट इसमें आता है लेविस रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंपाउंड को हम कैसे दिखाएंगे उसे कहते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन या लेविस स्ट्रक्चर तो लेविस स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा देखो लेविस स्ट्रक्चर इसके लिए कुछ रूल्स हैं पहला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हैं में हम क्या करते हैं? उसका स्केलेटल डायग्राम uh, बनाते हैं Second में होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। तीसरे में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हर एक के मिडिल में रख देते हैं ठीक है और फोर्थ में सबका ऑप्टेट कंप्लीट कर देंगे तो चार होते हैं इसमें इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है तो एग्जाम्पल में हमने था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे नाइट्रोजन का होता है टू एंड फाइव तो इसके पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का होता है टू एंड सिक्स तो ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम है तो मतलब स्केलेटल तो डायग्राम जो भी लेस इलेक्ट्रॉन होता है उससे बीच में रख दो बाकी को साइड रख दो थर्ड स्टेप में अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें रख दो हमारे पास एट्टीन है तो हम क्या करेंगे देखो पहले हर एक में मिडिल में हम दो दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे One, two, three, अब हमारे पास टोटल 18 है तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टीन एटीन तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का रखना अब होगा क्या ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा देखो ऑक्सीजन का इसके पास फोर प्लस फोर एट हो गया इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्टेट नहीं हुए कंप्लीट देखो टू फोर एंड सिक्स है तो जब सिक्स रह गया तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शिफ्ट करवाएंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा देंगे शिफ्ट करने के लिए यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हटाए इसके और इसके बीच में लगा दिए तो अब डबल बॉन्ड आ जाएगा अब देखो फोर और फोर एट तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने हो गए एट इलेक्ट्रॉन हो गए फोर ये टू और टू एट तो ये सेंटर वाला कंप्लीट हो गया तो क्या होगा देखो नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ यहाँ सिंगल बॉन्ड ओ तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा और माइनस का मतलब यहां माइनस दिखा दो या फिर यहां दिखा दो माइनस तो ये है आपका लेविस स्ट्रक्चर क्लियर है यस yes, सर, देखो और एग्जांपल लेते हैं सीओ थ्री टू माइनस का तो सबसे पहला स्टेप क्या है लेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपको पता है कितना होता है टू एंड फोर सिक्स होता है कार्बन इलेक्ट्रॉन तो uh, हो गए इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए फोर और ऑक्सीजन के कितने होते हैं एट होता है तो टू एंड सिक्स तो सिक्स हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे एक है कार्बन का तो कार्बन का फोर हो गया ऑक्सीजन के थ्री है तो थ्री सिक्स या एट्टीन और दो माइनस चार्ज है यानी दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है प्लस टू तो सिक्स थ्री जाए प्लस टू ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर हो गया टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्वेंटी फोर होगा सेकेंड स्टेप में स्केलेटल डायग्राम यानी पहले सी बीच में रखो बाकी ओ को साइड में रख दो सेकेंड स्टेप हो गया थर्ड स्टेप में क्या होगा सबके बीच में वन वन पेयर लगा दो छ हो गए टोटल ट्वेंटी फोर है तो पहले बाहर वाले के ऑक्टेट कंप्लीट कर दो एट ये हो गया इसमें भी हो गया इसमें भी एट ये हो गया ठीक है तो ये, एत, 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 ये कम्पीट हो गया लेकिन ये कार्बन कम्पीट नहीं हुआ कार्बन के लिए क्या है कार्बन के पास है सिक्स इलेक्ट्रॉन पता कैसे चला देखो हमने ये दो ये हो गए दो ये हो गए तो कार्बन के केस में केवल सिक्स है तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हटाओ और बीच में लगा दो इसको हटाओ यहाँ बीच में लगा दो ये क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड ठीक है तो ये और टू माइनस का मतलब या तो आप इसमें दिखाओ माइनस या फिर ऊपर दिखा दो माइनस एक ही बात है तो यह है आपका लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सी ओ थ्री टू माइनस ठीक है यस yes, सर अब इसमें आता है देखो इसमें प्रैक्टिस करनी है खुद मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ किस किसके आपको लेविस स्ट्रक्चर बताने सेम कॉन्सेप्ट रहेगा ऐसे ही करना पड़ेगा तो एग्जाम्पल है इसका एस ओ फोर टू माइनस दूसरा एस के बाहर कितने होते हैं एस के बाहर होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन इसके बाद है एन ओ थ्री माइनस ओ थ्री तो इस तीनों के करने हैं SO4 फोर टू माइनस एनओ थ्री माइनस एंड ओ थ्री तो ये भी आपका स्ट्रक्चर भी फिनिश होता है ठीक है कोई डाउट सर no, ओके okay. तो फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं अब हम आगे बढ़ जाते हैं अब आता है थ्योरी -E ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्लास ट्वेल्थ में भी आएगा बहुत ज्यादा इलेवेंथ में भी है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी तो इसमें क्या है कि इसको दिया था पहले दिया था सीडवी कैंड पावेल ने इन 1940 में फिर तो इसे इम्प्रूव किया था नाई होम एंड गिलेस्पी ने इन 1957 में अब इस थ्योरी का मेन काम क्या है थ्योरी का मेन काम है ये एक्सप्लेन करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसे होना चाहिए तो वो ये थ्योरी बताती है शेप शेप ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ठीक है तो के लिए हम क्या करते हैं वैलेंस वायलेंसल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपर्सन थ्योरी को देखेंगे अब ये क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग देखो शेप कैसे निकालेगा तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जैसे सेंट्रल एटम है ई अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लेफ्ट साइड में होगा तो एक उसके ठीक अपोजिट में राइट हैंड साइड में होगा क्यों रखा हमने ऐसा क्योंकि तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये आपस में क्या करते हैं रिपर्सन करेंगे इसमें क्या होगा रिपलसन हो जाएगा तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को रिपलसन करेंगे तो क्या होगा ये मूवमेंट करेंगे सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से इतने दूर जाएंगे कि वहां पे रिपर्सन ही नहीं होगा तो जैसे एक इधर चला गया तो इसके अपोजिट में दूसरा यहां चले जाएगा जिससे रिपर्सन मिनिमम हो जाए या कम हो जाए और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो ये रूल है किसका वी एस ई पी आर थ्योरी का ठीक है तो इम्पोर्टेंट रूल है ये अब इसके पॉस्टुलेट हैं कुछ पॉस्टूलेट हालांकि पूछे नहीं जाते हैं कम आते हैं इसके बेस पे इसके आगे जो टेबल है वो नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते जाता है। तो इसके जो पॉस्टूलेट हैं कौन कौन से पहला पॉस्टुलेट है इसका पॉस्टुलेट्स इसमें पहला है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है कोई भी मॉलिक्यूल है और इसमें दो एटम है इसमें केवल कितने एटम है टू एटम्स है तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा हर हमेशा जैसे मैंने कहा सीओ तो लीनियर एनओ NO, तो लीनियर जिसमें दो हैं दो एटम है कंपाउंड में तो उसे कहेंगे उसका शेप फिक्स है लीनियर यानी सी डबल बॉन्ड ओ या ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसे नाइट्रोजन के केस में हो जाएगा तो जब भी दो एटम होंगे तो आपको समझ जाना है उसका सेप लिनियर होगा सेकंड अगर मॉलिक्यूल में थ्री एटम है या थ्री से ज्यादा एटम है तो उसमें से एक को हम कहेंगे सेंट्रल एटम ठीक है जिससे सारे के सारे लिंक होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल एटम जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि सेंटर का कौन सा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है वो सेंटर आइटम का काम करता है अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका थर्ड वन इज अगर कंपाउंड है जो उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है बॉन्ड पेयर का मतलब होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डेड आइटम है बीपी और लोन पेयर में आ जाएगा लोन पेयर तब आएगा जब अ जो लोन पेयर का मतलब होता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी शेयरिंग नहीं होती है वो हो गया लोन पेयर अगर ये लोन पेयर नहीं हो केवल बॉन्ड पेयर ही है थर्ड वन क्या कहता है अगर सेंट्रल एटम है उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है लोन पेयर एक भी नहीं है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होगी या रेगुलर ज्योमेट्री होगी फाइन अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है लोन पेयर है ही नहीं तो उस केस में ज्योमेट्री रेगुलर होगी और अगर सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है तो उसकी वजह से क्या होता है रिपोर्सन ज्यादा होगा और ज्यादा होने से मॉलिक्यूल इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाला हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री या इरेगुलर अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा अब जो इसका ऑर्डर होता है वो लोन पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है लोन लोन पेयर पेयर सबसे ज्यादा पावरफुल है फिर लोन पेयर 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 बॉन्ड 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 और सबसे वीक होता है bond pair, bond pair. इसके बीच में बहुत कम लगता है तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन ज्यादा रिएक्टिव है तो लोन पेयर लोन पेयर का जो इंट्रेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फिर

तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा ठीक है तो ये पोस्टुलेट है पांच कोई डाउट इसमें no, अब आता है नेक्स्ट वन इसमें इसके शेप को डिसाइड करना बस उसी पे से क्वेश्चन आते हैं जो तो क्वेश्चन है वहीं से आएंगे अब। तो पहले केस में क्या देखो पहले केस में है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर टू हो गए तो टू के केस में क्या होगा देखो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू हो गया तो आपको बताया था मैंने एक इधर होगा तो एक अपोजिट में होगा ठीक वन एट्टी डिग्री पे ताकि रिपर्सन कम हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इसका शेप बनता है लीनियर लीनियर मतलब ए बी एंड बी तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर उसके बाद अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री है तो थ्री के दो चांस है एक है थ्री जीरो थ्री बोन पेयर जीरो पेयर तो इसका ज्योमेट्री बनती है ट्राइंगर प्लेनर ये यानी एक यहां पे बी लगा दिया आपने इधर भी बी लगा दिया इधर भी बी लगा दिया ठीक है तो ये हो गया आपका ट्राई एंगुलर प्लेनर ट्राई एंगुलर प्लेनर ट्राइंगुलर प्लेनर ठीक है ट्राइंगर प्लेनर कब होगा जब तीन पेयर होगा और जीरो लोन पेयर होगा इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं ए एल सी एल थ्री एसओ थ्री तो इस केस में क्या होगा ट्राइंगर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और एंगल जो होता है इसमें वो होता है वन ट्वेंटी का एंगल वन ट्वेंटी तीनों एंगल होंगे वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी अब दूसरा चांस क्या है कि दो पेयर एक लोन पेयर तो जहां पे ऊपर अपने बॉन्ड पेयर दिखाया यहाँ पे लोन दिखा दो बस तो ये क्या होता है लेकिन जो लोन पेयर है उसे काउंट नहीं करते हम तो ये ऊपर चला गया बाकी इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड तो ये होता है वी शिफ्ट या बैंट इसे कहते हैं वी शिफ्ट या बैंट बैंट या वी शिफ्ट तो वी शिफ्ट क्या हो गया कि जब दो बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा तो उसे कहेंगे वी ठीक है यस इसका इसका एग्जांपल देने हाँ इसका एग्जांपल है ये जो को लिखा हुआ है इसमें एसएनसीएल टू हो गया ये एसओ टू हो, हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं देखो जैसे एसओ टू है एसओ टू में सल्फर कितना हो गया सिक्सटीन होता है टू एट एंड सिक्स तो छः इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में हो गए रिजवाइन करना आपने सेम पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया ओके okay, सर